नमस्कार दोस्तों, हर मनुष्य की शक्ति उसके वीर्य में ही छुपी रहती है। तो इसी वीर्य को कैसे बढ़ाना है, इसे आज हम एक बौद्ध कहानी के माध्यम से जानते हैं। तो चलिए दर्शकों, कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, पुराने समय में ब्रह्मचर्य के लिए एक उचित शिक्षा दी जाती थी और लोग ब्रह्मचर्य को लेकर सजग रहा करते थे और हर व्यक्ति ब्रह्मचर्य के नियमों के बारे में जानता था और यह भी जानता था कि ब्रह्मचर्य के समय किन सजगता को ध्यान में रखना होता है। लेकिन बीच में समय कुछ ऐसा रहा जिसमें ब्रह्मचर्य की अवधारणा बिल्कुल लुप्त सी हो गई और लोग अपने मनमानी का आचरण करने लगे। और ज्यादा दिक्कत तो तब आई जब इस आधुनिकता का प्रभाव लोगों पर पड़ने लगा और लोगों के पास इंटरनेट और मोबाइल पहुंचने लगा। और इसका परिणाम यह हुआ कि लोग ब्रह्मचर्य का पालन करने का छोड़ो, ब्रह्मचर्य का मतलब तक भूल गए, क्योंकि यह आधुनिकता लोगों को वैसी चीजें उपल करवाने लगी जो लोगों के ब्रह्मचर्य को तोड़ने लगी। और लोग अपने मोबाइल में ऐसी चीजें खोजने लगे और ऐसे चलचित्र देखने लगे जिनसे कि हमारी युवा पीढ़ी को बहुत ही बड़ी बड़ी हानि झेलनी पड़ी। यह हानि लोगों को अपने शरीर पर देखने को मिली, मानसिक स्तर पर देखने को मिली। लोग इससे बहुत चिंतित हुए और इसको सही करने के लिए हर संभव प्रयास करने लगे। और धीरे धीरे ब्रह्मचर्य की अवधारणा फिर लोगों में आने लगी और आज लोग ब्रह्मचर्य के बारे में सजग हो रहे हैं और इसके मतलब को समझकर इसे अपनाने का प्रयास कर रहे हैं। गौतम बुद्ध ने ब्रह्मचर्य के पालन पर अपने बहुत सारे उपदेशों में उपदेश दिया और आज हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं कि ब्रह्मचर्य की हानि जो हमें होती है उसको कैसे ठीक किया जाए, उसको कैसे सुधारा जाए। आज हम बात करेंगे ऐसे ही वीर्यवर्धक योग के बारे में जो आपको वीर्य हानि से नुकसान होता है उसको ठीक करेगा। इसके साथ साथ तुम्हें कुछ और चीजों के बारे में ध्यान देना होगा। आप उन पर ध्यान देंगे तो आपको और भी अधिक लाभ प्राप्त होंगे और तेजी से आपको लाभ प्राप्त होंगे। चलिए सारी बातें बड़े विस्तार से और आसान शब्दों में समझते हैं। एक बार एक बौद्ध भिक्षु अपने कुछ शिष्यों के साथ एक आश्रम में रहा करते थे। वह गुरु अपने सभी शिष्यों को रोजाना उपदेश दिया करते थे और जीवन में सही राह पर चलने का मार्गदर्शन दिया करते थे। एक बार एक नौजवान लड़का उन गुरु के पास आता है और आकर उन गुरु से कहता है कि हे गुरुवर, मैं अपने शरीर का नाश अपने ही हाथों कर चुका हूँ। मुझे कमजोरी और थकान हमेशा बनी रहती है, क्योंकि मैं जब 16 साल का था तभी से मुझे गलत कार्यों की आदत लग गई। तभी से मैंने अपने शरीर की शक्ति को पानी की तरह बहाना शुरू कर दिया। मुझे कुछ समय तो आनंद की अनुभूति हुई, लेकिन कुछ समय बाद ही मुझे समझ आ चुका था कि मैं अपने जीवन को बर्बाद कर रहा हूँ। इसीलिए गुरुवर, मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं अपनी ऊर्जा, अपने शरीर की शक्ति जो नष्ट हो चुकी है उसकी भरपाई कर पाऊं, ताकि मेरा शरीर पहले की तरह ऊर्जावान हो जाए। इसके बाद वह गुरुजी उस नौजवान लड़के से कहते हैं कि बेटा, इसका समाधान मैं तुम्हें विस्तार से बताता हूं, तुम इसे बड़े ही ध्यान से सुनो। देखिए, अगर आपको किसी भी पात्र में किसी भी तरल वस्तु को सुरक्षित करना होता है तो यह अनिवार्य हो जाता है कि आप यह अच्छे से समझ लें कि उस पात्र में किसी भी तरह का कोई छेद नहीं होना चाहिए। अगर उस पात्र में कोई भी छेद होगा तो आप उसमें कुछ भी तरल पदार्थ डालेंगे तो वह नीचे से निकलता रहेगा। बौद्ध भिक्षु उस नौजवान लड़के से कहते हैं कि मैं तुम्हें तुम्हारी इस समस्या का समाधान तो बता दूंगा, लेकिन तुम्हें एक चीज का ध्यान रखना होगा, तुम्हें संयम रखना होगा, यानी कि तुम्हें यह अपनी गलत क्रिया को रोकना ही होगा। मैं जानता हूं बेटा कि मन को रोकना सरल काम नहीं है, क्योंकि मन व्यक्ति को बड़ा ही भटका रहता है। और बेटा, जैसा तुम्हारा आज से पहले का जीवन रहा है, आज से पहले की तुम्हारी जीवन की यादें रही हैं, उस हिसाब से तुम्हारे मन को रोकना इतना आसान नहीं होगा। तुम्हारे मन में वही विचार आएंगे और फिर तुम्हारा मन फिर से वही क्रिया करना चाहेगा। लेकिन अगर आप एक संकल्प लेते हैं कि आज से मैं ये सब गलत क्रियाएं छोड़ दूंगा, नहीं करूंगा, तो आप धीरे धीरे अपने मन पर काबू कर पाएंगे। और कुछ दिनों के संकल्प के बाद एक समय ऐसा आएगा जब आप अपने मन पर विजय हासिल कर लेंगे। लेकिन अगर आप क्रियाओं को नहीं रोकेंगे और निरंतर अपनी क्रियाओं में लीन रहेंगे तो आपको वह समय कभी नहीं मिलेगा जब आप अपने मन पर काबू कर पाए। आप निरंतर क्रियाएं करते रहेंगे और परेशान होते रहेंगे और आपको लगेगा कि मेरा कुछ भी नहीं हो सकता है और आप अपने विचारों की तरफ ध्यान नहीं दे पाएंगे। लेकिन दूसरी ओर जब आप अपनी क्रियाओं को रोक लेते हैं तो तुम अपने विचारों को सोचने की तरफ आगे बढ़ोगा और तुम फिर ये सोचोगे कि मैं अपने विचारों को देखता हूं और फिर तुम देखोगे कि मैं इसे कैसे सुधार सकता हूं। इसीलिए बेटा, सबसे पहली बात तो यही है
कि जब तक तुम अपनी क्रियाओं को नहीं रोकोगे तब तक कुछ भी संभव नहीं है। इसीलिए सबसे पहले अपनी क्रियाओं को रोके। इसके बाद बौद्ध भिक्षु आगे कहते हैं कि बेटा आइए सबसे से पहले मैं तुम्हें कुछ नियम बताता हूँ जिनको तुम्हें अपने जीवन में अपनाना होगा, तभी तुम इन समस्याओं से बाहर निकलोगे। जो नियम मैं तुम्हें बता रहा हूँ वह नियम आज से पहले भी हजारों लोगों की जिंदगी बदल चुके हैं, इसीलिए नियमों को ध्यान से समझे और इनका पालन करें। बेटा सबसे पहले तुम इस चीज को समझो कि जैसे एक पौधा अपने शुरुआत के दिनों में होता है तो उसे अधिक देखने की आवश्यकता पड़ती है, पानी और खाहा की आवश्यकता होती है, लेकिन जब वही पौधा एक पेड़ बन जाता है तो उसे ज्यादा देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और ठीक इसी प्रकार का हमारा शरीर होता है। जब कोई व्यक्ति 16 से 20 साल की उम्र का होता है तो उसे अधिक देखरेख की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि उस समय व्यक्ति का शरीर विकसित हो रहा होता है, लेकिन व्यक्ति इसी समय में अपने शरीर का नाश कर लेता है। आपको इन समस्याओं से बाहर आना है तो आपको ब्रह्मचर्य के 5 नियमों का पालन करना होगा। इन नियमों को समझने के बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे तुम अपने वीर्य क्षति के नुकसान को ठीक कर पाएंगे। आगे बौद्ध भिक्षु पहला नियम बताते हुए कहते हैं कि अपने ऊपर सूक्ष्म दृष्टि रखनी होगी। बेटा जो इंसान लापरवाह है वह ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकता। इसके लिए आपको समझना होगा कि अगर आपके मन में कोई छोटा सा भी विचार आता है काम से संबंधित, तो वह एक विचार ही आपको भ्रष्ट करने के लिए काफी है। इसको आप इस तरह से समझिए कि जैसे कोई एक भूसे का ढेर है, अगर उस भूसे के ढेर में एक आग की चिंगारी भी लग जाती है तो वह एक आग की चिंगारी उस पूरे भूसे को जलाने के लिए काफी है। वह एक आग की चिंगारी उस भूसे को जलाकर राख कर देगी और तुम्हें पता भी नहीं चल पाएगा। वैसे ही आपके मन में पहले से ही बहुत सारे संस्कार संग्रहित हैं, और जैसे ही कोई काम रूपी विचार आता है और आप उस विचार पर ध्यान देने लगते हैं, उसमें रस देने लगते हैं, तो भूसे की तरह वह एक विचार रूपी चिंगारी ही फिर से तुम्हारे मन को तृप्त कर देगी, और आपके मन में पहले की जो स्मृतियां हैं वह पुनः उस चिंगारी से जल जाएगी, और आपकी स्मृतियों में छिपी हुई काम वासना आपको पुनः गलत क्रियाएं करने के लिए प्रेरित करेगी। इसीलिए बेटा बहुत जरूरी हो जाता है कि आप अपने विचारों की तरफ ध्यान दें। अगर कोई छोटा सा भी विचार आता है तो उसको पुनः हटाएं। आगे बौद्ध भिक्षु दूसरा नियम बताते हुए कहते हैं कि आपको व्यायाम करना होगा। बेटा अगर आप निष्क्रिय जीवन जी रहे हैं और व्यायाम नहीं करते हैं तो आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा नहीं दे पाएंगे। आपने ब्रह्मचर्य का पालन तो किया, ऊर्जा भी संग्रहित की, लेकिन ऊर्जा का प्रयोग आप ठीक ढंग से नहीं करेंगे तो वेग बनेंगे और गलत स्थानों पर आपकी ऊर्जा खर्च होना शुरू हो जाएगी। इसीलिए रोजाना आप 1 घंटे के लिए ऐसा मजबूत व्यायाम कर जिसमें आपका पसीना निकले, जिसको करने से आप थके, जिससे कि आपके शरीर में टूट फूट है, मांसपेशियां ब्रेक होती है, आपकी ऊर्जा उन मांसपेशियों को ठीक करने में लग जाए, और इससे आपको बहुत ही अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। अगर आप 1 घंटे का अच्छा व्यायाम करते हैं तो आपकी पाचन क्रिया मजबूत होगी, आपको कभी भी कब्ज की समस्या नहीं होगी, आपका मल अच्छे से निष्कासित होगा और आपकी ऊर्जा भी अच्छे कार्यों में मेल लगेगी। आगे बौद्ध भिक्षु तीसरा नियम बताते हुए कहते हैं कि आपको अध्यात्म को अपने जीवन में धारण करना होगा। भागवत गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि यह जो मेरी माया है यह इंसान को फंसाए रखती है। अगर आप अपने आप को इस माया से बाहर निकालना चाहते हैं या फिर इस माया से ऊपर निकलना चाहते हैं तो मेरा नाम लेने से, मेरे से जुड़ने से, अपने मन को मेरे में निवेश करने से ही आप मेरी माया से ऊपर उठ सकते हैं। जब आपके शरीर में तमोगुण स्थितियां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, जब तक आप उन तमोगुण स्थितियों में नहीं आएंगे तब तक आप ब्रह्मचर्य हैं। आपका मन तो चाहता है कि आप इस अंधेरे कुएं में ही पड़े रहे, लेकिन आपको तो प्रकाश की ओर जाना है, इसीलिए आपको मन के विपरीत कार्य करना होगा। जैसे कि जब बर्तनों में चिकनाहट पैदा होती है तो उसके विपरीत साबुन के प्रयोग से हम उस चिकनाहट को हटा पाते हैं, ऐसा ही आपके मन के साथ होता है। इसको इस तरह से समझें, क्योंकि जो आपके मन का मेल है उसको साफ करने के लिए ये जो परमात्मा है वही एक ऐसा साबुन है जो आपके मन के मेल को साफ कर सकता है। तो ऐसे में जहां आपकी श्रद्धा है वहां उनके साथ आप जुड़े, ऐसा करने से आप चिंता से मुक्ति पा सकते हैं, ऐसा करने से आप खुश और ऊर्जावान महसूस करेंगे। इसके बाद वह गुरु कहते हैं कि चौथा नियम है ब्रह्म मुहूर्त का प्रयोग करें, यानी आपको सुबह 4 बजे उठने का प्रयास करना ना चाहिए, आपको ब्रह्म मुहूर्त के समय का प्रयोग करना चाहिए।
ब्रह्म मुहूर्त का महत्व इसलिए ज्यादा है क्योंकि समय भी अलग अलग प्रवृत्ति के होते हैं, और ब्रह्म मुहूर्त का समय जो होता है ये सतोगुण प्रवृत्ति का होता है, और दिन का समय रजोगुण प्रवृत्ति का होता है, और रात्रि का समय तमोगुण प्रवृत्ति का होता है, सतागुण प्रवृत्ति। समय के दौरान आप ध्यान साधना और मन को शांत करने वाली क्रियाएं कर सकते हैं। इस समय में आप अपने ऊपर काम कर सकते हैं। सुबह का समय वात प्रधान होता है, यानी इस समय हमें शौच आदि से निवृत्त हो जाना चाहिए, लेकिन आप इससे निवृत्त नहीं होते हैं। आप अपने मल को निष्कासित नहीं करते हैं, तो आपका वीर्य निष्कासन होता है। आपको स्वप्न दोष होता रहता है, यानी कि स्वप्न दोष की अधिक समस्याएं ब्रह्म मुहूर्त के दौरान ही होती हैं। इसीलिए आप ब्रह्म मुहूर्त में उठने का नियम बना ले और उठकर परमात्मा का नाम ले, योग अभ्यास करें। इसके बाद गुरुजी पांचवा नियम बताते हुए कहते हैं कि अपने आहार पर भी ध्यान दें। ब्रह्मचर्य का पालन करते समय लोगों को यह परेशानी आती है कि वह प्याज और लहसुन के प्रयोग पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं, क्योंकि लहसुन प्याज ब्रह्मचर्य पालन करने वाले व्यक्तियों के लिए सही नहीं है, लेकिन प्याज लहसुन से भी बुरा आपके लिए बासी भोजन होता है, जैसे कि जंक फूड, फास्ट फूड आदि। इसीलिए आप पहले उन चीजों को छोड़ने का प्रयास करें जो आपके लिए ज्यादा हानिकारक है। आप लहसुन प्याज को छोड़ पाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर उन्हें नहीं छोड़ पाते हैं तो आप इन फास्ट फूड, जंक फूड इनको जरूर छोड़ें। यह आपके लिए छोड़ना बहुत अनिवार्य हो जाता है। इसके अलावा ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले लोगों को अपना रात का खाना बिल्कुल हल्का खाना चाहिए। इसके साथ ही आपको पौष्टिक भोजन करना चाहिए ताकि आपके शरीर को ताकत मिल सके। इसके बाद वह बौद्ध भिक्षु उस लड़के से कहते हैं कि मैंने तुम्हें कुछ नियम तो बता दिए हैं जो तुम्हें ब्रह्मचर्य पालन करते समय ध्यान में रखने चाहिए। आइए अब मैं तुम्हें एक योग बताता हूँ जिसकी मदद से ब्रह्मचर्य नाश की क्षति की भरपाई तुम जल्दी से कर पाओगे। इसके लिए तुम्हें सबसे पहली चीज जो इस्तेमाल करनी है वह है मखाना। मखाने आपको 100 ग्राम की मात्रा में लेने हैं और इनको सूखे ही रोस्ट करना है। मखाने में आपको एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं जो फ्री रेडिकल को रोकते हैं और आपके शरीर को एक अच्छी स्थिति में लेकर जाते हैं। इसमें कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं जो आपकी मांसपेशियों के लिए, आपकी हड्डियों के लिए बहुत ही उपयोगी है। दूसरे स्थान पर आपको चने का प्रयोग करना है। भुने हुए चने का प्रयोग आपको इसके छिलके के साथ ही करना है। अगर आप इसका छिलका उतार देंगे तो इसमें से फाइबर की मात्रा कम हो जाएगी। आपको 100 ग्राम की मात्रा में भुना हुआ चना लेना है। 100 ग्राम चना में आपको 7 ग्राम फाइबर मिलेगा। और भी ऐसे अनेक तत्व मिलेंगे जो आपके लिए बहुत उपयोगी है, जो आपके शरीर को बनाने वाले बल को बढ़ाने के लिए बहुत ही बढ़िया है। तीसरे स्थान पर आपको छुआरे का प्रयोग करना है। छुआरे आपकी धातु को पुष्ट करने के लिए, शरीर की कमजोरी को दूर करने व बल को बढ़ाने के लिए बहुत ही उपयोगी है। आपको 10 छुआरे लेनी है और उसकी गुठली को निकाल लेना है और उनको छोटे छोटे टुकड़ में काट लेना है। चौथे स्थान पर आपको सूट का इस्तेमाल करना है। सूट एक ऐसी चीज है जो आपकी जठराग्नि को बढ़ाने के लिए बहुत ही तेजी से काम करती है। जठराग्नि के बढ़ने के कारण जो भी आपके शरीर में जाएगा वह ठीक प्रकार से तुम्हारे शरीर को लगेगा सूट से। इस नुस्खे के सभी गुण आपको अच्छे से मिल पाएंगे क्योंकि सूट आपके पाचन को सही करता है। आपको इस नुस्खे को बनाने के लिए 2 चम्मच की मात्रा में सूट लेना है। पांचवी स्थान पर आता है मिश्री। आपको इसमें 100 ग्राम की मात्रा में मिश्री कूट कर डालनी है और इसका पाउडर बनाकर आपको इसमें डालना है। इससे आपका यह योग मीठा हो जाएगा और यह आपके बल को बढ़ाने और शरीर को पुश करने में बहुत ही फायदा करेगा। इसके बाद आपको चना, मखाना और छुआरे इनको मिश्री में डालकर ग्राइंड करना है और अश्वगंधा आदि जो पाउडर की अवस्था में है उनको ग्राइंड करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद इन सभी को एक जगह मिलाकर रखें और एक कांच के बर्तन में ढककर रख दें। इसके बाद वह गुरु कहते हैं कि बेटा अब तुम ये समझो कि तुम्हें इसको कब और कैसे प्रयोग में लेना है। तो ये इतनी ही मात्रा में बना होगा जिसका प्रयोग तुम 1 महीने तक कर पाओगे। इसकी 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को प्रयोग करनी है, या फिर केवल आप 1 चम्मच ही शाम को प्रयोग कर सकते हैं, ये भी आपके लिए ठीक रहेगा। सोने से 1-1.5 घंटे पहले 1 ग्लास गर्म दूध के साथ आप इसको ले सकते हैं, और अगर सुबह आप इसका प्रयोग करते हैं तो 1 चम्मच पाउडर मुंह में फांक लेकर ऊपर से 2-3 घुट दूध आप पी सकते हैं। इसके बाद वह गुरु उस लड़के से कहते हैं कि बेटा ये आपका एक योग है, इससे आपको बहुत ही तेजी से और अच्छे वाले लाभ मिलेंगे, लेकिन बेटा इस योग के साथ जो मैंने तुम्हें नियम बताए उनका भी तुम्हें विशेष रूप से ध्यान रखना होगा।
इस दुनिया में कई सारे पावर आकर्षण हैं, पैसा, पावर, पोजीशन और नशा, लेकिन काम वासना एक ऐसा नशा है जो इंसान को अंधा, गूंगा और बहरा बना देता है। जवानी का मौसम शुरू होते ही लोगों के दिलों में प्यार की कलियां खिलने लगती हैं, लेकिन प्यार को समझने के बदले लोग वासना की शिकार हो जाते हैं। फोन में आने वाले गंदे शुरू होने वाली कहानी गंदी तस्वीरों से होते हुए फाइनली गंदे वीडियोस पर जाकर रुक जाती है, लेकिन यहाँ पर कहानी खत्म नहीं होती। यहाँ से तो एक ऐसा चक्र शुरू होता है जिसका कोई अंत नहीं होता। गंदी वीडियो देखकर हस्त मैथुन का मजा लेना और फिर मैं ये गलती कैसे कर सकता हूँ वाली फीलिंग के साथ खुद को कोसना और दूसरे दिन वही रूटीन फिर से फॉलो करना। ऐसे ही खुद को कोसते कोसते एक ऐसा वक्त आता है जब हफ्ते में एक बार मैथुन करने वाला इंसान रोज अपने ही हाथों से अपनी पूरी किस्मत लिखना शुरू कर देता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब कोई गूगल 2 बार करना सही है, लेकिन क्या आपको सच में लगता है कि आप हफ्ते में एक बार ही मिथुन करेंगे? हफ्ते में एक बार से शुरू होने वाली कहानी दिन में एक बार और फिर दिन में 2-3 बार तक पहुंच जाती है, और जब आखिर में इंसान को ऐसा लगता है कि वह एडिक्ट हो गया है, उसे लत लग गई है इस चीज की, तब कहीं जाकर वह मैथुन से बचने के तरीके ढूंढने लगता है। आज इंटरनेट के ऊपर जाकर सर्च कर सकते हैं कि क्या हस्त मैथुन से कमजोरी आ सकती है, या फिर क्या ज्यादा हस्त मैथुन करने से हमारी ताकत खत्म हो सकती है। आपके सामने लाखों इससे पेज आ जाएंगे और हर पेज में यही मिलेगा कि हस्त मैथुन से शरीर पर या हमारी ताकत पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मेडिकल साइंस का या लॉजिक नहीं है, तो फिर जो रेसलर या बॉडी बिल्डर होता है वह हस्त मैथुन और गंदी चीजों से दूर क्यों रहते हैं? आखिर क्यों अखाड़े में लड़ने वाले पहलवानों को ब्रह्मचर्य का पालन जरूरी होता है? मैं दावे के साथ ही बोल सकता हूँ कि जितने लोग मैथुन के आदि हैं, उन्हें अक्सर थकावट और कमजोरी महसूस होती होगी। हमारा शरीर बहुत ही शक्तिशाली होता है। शास्त्रों में वीर्य को ऊर्जा भी कहा जाता है। आप जरा सोचिए, अगर आप बिना सोचे समझे अपने शरीर की ऊर्जा को पल भर के मजे के लिए खराब करेंगे तो क्या होगा? एक स्टडी के मुताबिक हफ्ते में 5 बार से ज्यादा बार मिथुन करने से प्रोस्टेट कैंसर का जोखिम बढ़ता है। इसके अलावा हमारे नीचे के जो लोग गंदी वीडियो देखने के आदि होते हैं, उन्हें एक और चीज काफी परेशान करती है। गंदी वीडियो में अपने काफी बार देखा होगा कि एक लड़की को उसका हस्बैंड संतुष्ट नहीं कर पाता, इसलिए वह किसी और के पास जाती है। ये चीज आपकी रियल लाइफ को काफी फैक्ट करती है। आपकी बीवी भले ही कितनी सुशील, संस्कारी हो, पर क्योंकि आपको बेड पर मजा नहीं आ रहा, इसलिए आप यही सोचते हैं कि कहीं मेरी बीवी भी किसी और के पास ना चली जाए, और इस टेंशन की वजह से आपकी लाइफ बद से बदतर हो जाती है। धीरे धीरे टेंशन और डिप्रेशन इतना होने लगता है कि आप अपने काम पर भी ठीक से फोकस नहीं कर पाते, और फिर से एक बार डिप्रेशन का असर आपके जीवन पर पड़ता है। जिस मैथुन को आप अपनी जवानी में दुनिया की सबसे बड़ी खुशी समझ रहे थे, उसी ने आपकी जिंदगी की सारी खुशियां बर्बाद कर दी। देखिए, जर कड़वा होता है, ये तो आपने सुना होगा, पर क्या आपने कभी यह सोचा है कि चलो एक बार खुद टेस्ट करके देख लेता हूँ? नहीं ना। ठीक वैसे ही हस्त मैथुन से नुकसान होता है। ये बात जानने के लिए हस्त मैथुन करके अपनी जिंदगी खराब करना बेवकूफी है। अगर आप सालों से इस लत का शिकार है, तो ये मत सोचिए कि मैं तने सालों से कर रहा हूँ, अब मेरी लाइफ में कुछ नहीं हो सकता। आपके पास अभी भी वक्त है। हाँ, इसमें थोड़ी मेहनत लग सकती है और आपको थोड़ा सब्र रखना होगा, पर ये बात याद रखना कि सब्र का फल मीठा होता है। गंदे वीडियो और हस्त मैथुन को अपनी लाइफ से ठीक वैसे ही निकाले जैसे कि हम कचरे को घर के बाहर फेंक देते हैं। एक नई जिंदगी की शुरुआत करिए, एक्सरसाइज, योग, ध्यान करिए और अपने लाइफ के गोल पर फोकस करिए। एक बार आपका फोकस गंदे वीडियो से हटकर किसी और चीज पर लग गया, तो हस्त मैथुन आपको कभी परेशान नहीं करेगा। मेरी बात को दोनों कान और तीसरा दिमाग खोलकर सुनो। क्या तुम लोगों ने कभी सोचा है कि सिर्फ कुछ पल का मजा पाने के लिए तुम अपना कितना बड़ा नुकसान कर रहे हो? जवानी में कदम रखते ही सबसे पहले तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी होती है अपने माँ बाप की, लेकिन तुम क्या करते हो? बस कुछ पल के मजे के लिए अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज ना में बहा देते हो। एक बात को गांठ बांध लो, अगर जुहे में पैसा हार गए तो वह वापस कमाया जा सकता है, लेकिन एक बार अगर ये वक्त चला गया तो फिर चाहे कुछ भी कर लो, ये वक्त वापस नहीं पाओगे। अब तक तुम लोगों ने गंदे वीडियो देखकर काफी बार अपने वीर्य को नाश किया होगा, लेकिन तुम्हें शायद यह पता भी नहीं होगा। इन सब की शुरुआत तुम्हारे नादानी के दौरान हुई थी।
बचपन मासूमियत का दूसरा नाम है। एक छोटे बच्चे को सिर्फ दो ही चीजें सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं, खिलौना और चॉकलेट। लेकिन बचपन कैसे जाता है और सब बदल जाता है, उसको फिर लड़की चाहिए होती है। मैथुन से आपको क्या मिलता है? एक पल की खुशी जो कि वीर्य बाहर निकलने के बाद खत्म हो जाती है। जब हम हस्त मैथुन कर लेते हैं तो फिर आपको गिल्टी फील होता है और तब आपको किसी मोटिवेशनल स्पीकर या फिर किसी डॉक्टरों की बात याद आती है कि हस्त मैथुन इतना ही नॉर्मल है। तो फिर वीर्य बाहर देने के बाद हमें जो सुकून मिलता है, जो खुशी मिलती है, वह लंबे समय तक क्यों नहीं दिखती? गिल्टी फील करते हैं तो हमें लगता है कि हमने कोई बहुत बड़ा गलत काम कर दिया है। इसीलिए कि हम खुद भी जानते हैं कि मैथुन कितना सही है और कितना गलत। कुछ लोगों का मानना है कि मैथुन से हमारा शरीर कमजोर हो जाता है। मैथुन से हमारा शरीर कमजोर नहीं पड़ता, बल्कि हमारी जिंदगी खत्म हो जाती है। उस दूध से फिर दही बनता है, दही से छाछ बनता है, छाछ से मक्खन और मक्खन से आखिर में बनता है कि जो हमारे शरीर को भरपूर ताकत देता है। ठीक वैसे ही जब हम भोजन करते हैं तो उस भोजन में से सबसे पहले बनता है रस। उस रस की पाचन क्रिया होती है जिसके बाद उसमें से खून बनता है। फिर अगले 5 दिन बाद उस खून से मांस, फिर सारी क्रियाओं के बाद बनता है। फिर ये वीर्य या आखिरी तत्व होता है। जिस तरह से दूध का आखिरी तत्व ही होता है, वैसे ही भोजन के आखिर में भी वीर्य बनता है जो कि हमारे शरीर को शक्तिशाली बनाता है। वैसे ही वीर्य हमारे दिमाग को शक्तिशाली बनाता है और हमारे अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता है। जब आप मैथुन छोड़कर ब्रह्मचर्य के पालन पर ध्यान दोगे, लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन नहीं हो पा रहा क्योंकि कंट्रोल नहीं होता। क्या तुमने कभी आराम से बैठकर ये सोचा है कि हस्त मैथुन तुमसे कंट्रोल होता नहीं है या फिर तुम कर नहीं पाते? सबसे पहले ये सवाल अपने आप से पूछो, तब तुम्हें इसका सही जवाब मिलेगा। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने हस्त मैथुन बहुत छोटी उम्र में शुरू किया होगा। जब आपने मैथुन शुरू किया था तब आप फिर तो मजे के लिए करते थे, आपको ये भी पता नहीं था कि ये चीज अच्छी है या बुरी, बस मजा आता था इसलिए किया करते थे। जैसे जैसे बड़े होते गए आपको ऐसे लोग मिलते गए जो मैथुन को लाइफ की सबसे खूबसूरत चीज बताते थे और आपके साथ कई सारी गंदी चीजें शेयर करते थे। आप स्कूल की, कॉलेज की, किसी लड़की की या टीचर को इमेजिन करके अपनी हवस की प्यास बुझाने लगे। एक बूंद वीर्य में इतनी शक्ति होती है कि वह पूरा का पूरा इंसान बना सकता है। तो क्या ये वीर्य तुम्हें सक्सेसफुल इंसान नहीं बना सकता? आपने भी तो कई सपने देखे होंगे, पर लिख के माँ बाप का नाम रोशन करना है, अपने छोटे भाई बहन को भी पढ़ा लिखा बड़ा आदमी बनाना है, समाज में सोसाइटी में नाम कमाना है कल को। अगर तुम्हारे पिताजी रास्ते से गुजरे तो लोग कहे कि जिंदगी में एक बार मुझ इनके बेटे की तरह बनना है, लेकिन वह सब सपने के सपने ही रह जाएंगे क्योंकि तुम अपने सपने को पानी की तरह बहा रहे हो। तुम बोलते हो कि पढ़ाई में मन नहीं लगता, काम में फोकस नहीं कर पाता। लाइफ में बहुत सारा स्ट्रेस है। जिंदगी में कामयाब बनने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा हूं, पर ये नसीब साथ नहीं दे रहा। ये सब लाइन तुम खुद को भ्रमित करने के लिए बोलते हो। असली बात ये है कि तुम अपने आप को गंदे वीडियोस देखने से नहीं रोक पाते हो और इस ब्रह्मांड की सबसे कीमती चीज उसे तुम नाली में बहा देते हो। वीर्य रक्षा के फायदे समझे बिना तुम इसे पानी की तरह बहा रहे हो। अगर ऐसा ही करते रहोगे अपने माँ बाप के लिए जिंदगी भर, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। कल को तुम्हारे भाई बहन और तुम्हारे बच्चे भी शायद तुमसे यही सीखेंगे। वीर्य की सिर्फ एक एक बूंद तुम्हारी ही नहीं, तुम्हारी आने वाली कई पीढ़ियों का भविष्य बदल सकती है। तुम अपनी पर्सनालिटी बनाना चाहते हो, बॉडी बनाना चाहते हो, दिमाग तेज करना चाहते हो, दुनिया जीतना चाहते हो, पर क्या गंदे वीडियो देखकर मैथुन करने से यह सब होगा? आज तुम्हारे पास वक्त है, तुम्हारे पास ताकत है, तुम जवान हो, कुछ भी कर सकते हो। तुम्हारी रगों में खून ज्वालामुखी के लावा की तरफ खोल रहा है, पर एक दिन ऐसा आएगा जब वक्त तुम्हारे हाथ से निकल चुका होगा। तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाओगे। जिस तरह से गाड़ी के लिए पेट्रोल जरूरी होता है, उसी तरह तुम्हारी लाइफ में जो चट्टान जैसी मुसीबतें आएंगी उनसे निपटने के लिए हिम्मत, ताकत और आत्मशक्ति इसी पीरियड से मिलेंगे। तुम्हें क्या लगता है, पहले के जमाने में जो लोग युद्ध में जाते थे वह सुबह से शाम तक बिना थके बिना रुके युद्ध कैसे लड़ लेते थे? आज हल्का सा मौसम बदलते ही तुम्हें खांसी जुकाम हो जाता है, पर उस जमाने में लोग तीर और तलवारों के घाव खाकर भी लड़ते रहते थे। आखिर क्यों? ऐसा क्या था उनके पास? उनके पास उनकी वीर्य की शक्ति थी। दुनिया का कोई भी इंसान हस्त मैथुन से छुटकारा पा सकता है, लेकिन यह जंग अपने आप से और जंग दो तरह की होती है, बाहर की जंग और एक अंदर की जंग।
बाहर की जंग यानी उन सारी चीजों से, सारे इंसानों से जंग, और अंदर की जंग ज्ञान के अंदर के विचारों से हस्त मैथुन करते करते। अब आप इस आदत से इतने एडिक्टेड हो गए कि मैथुन के लिए आपको कहीं पर गंदे वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ती, आप खुद ही सोच सोच के कहानी बना लेते हैं या फिर पास्ट का कोई इवेंट याद करके अपनी उस चीज को शांत कर लेते हो। सबसे पहले आपको अंदर की जंग जीत नहीं होती है, आपका दिमाग गंदे विचारों से भरा पड़ा है। आपने आज तक जितनी भी गंदगी देखी वह सब आपके दिमाग में भरी पड़ी है, और सबसे पहले उस गंदगी को साफ करना है। पर हम इंसानों का दिमाग बड़ा विचित्र है, एक बार जो चीज अंदर गई सो गई। आप चाहकर भी दिमाग में गए हुए विचारों को बाहर नहीं निकाल सकते। आज भले ही साइंस इतना एडवांस है, पर फिर भी दिमाग में गए हुए विचारों को बाहर निकालना उसके लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दिमाग में भरे गंदे विचारों को बाहर नहीं भेज सकते आपको इस कचरे को, या फिर कहो तो इन गंदे विचारों को अच्छे विचारों से रिप्लेस करना होता है, जितना हो सके उतना अच्छा। देखो, अच्छा सुनो और अच्छा बोलो। हाँ, इस काम में थोड़ा वक्त लग सकता है। अगर आप अभी से अपने दिमाग में अच्छे विचार डालना शुरू करेंगे तो उन विचारों को, अच्छी बातों को गंदे विचारों की जगह लेने में थोड़ा टाइम लगेगा, पर जैसे जैसे आपके दिमाग में अच्छे विचारों की संख्या बढ़ने लगेगी, गंदे विचार खुद ही दिखने बंद हो जाएंगे। धीरे धीरे जब आप अपने अंदर की जंग जीत जाओगे तो बाहर की जंग आसान हो जाएगी। बाहर की जंग आपको इन चीजों से, वह लोगों से लड़नी है जो आपकी वासना को भड़का है। वह फिर गंदी मूवी भी हो सकती है, आपके खास दोस्त भी हो सकते हैं जो आपको मैथुन छोड़ने पर शर्मिंदगी महसूस करवाएंगे। जो लोग मैथुन को अपनी दुनिया मान चुके हैं वह लोग ना तो खुद उससे बाहर निकलेंगे ही आपको बाहर निकलने देंगे। तो अगर आपको मैथुन से दूर जाना है तो सबसे पहले ऐसे लोगों से दूर हो जाओ जो आपके दिमाग में गंदी बातें डालने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक कहावत है कि जहां चाह है वहां राह दुनिया में, या फिर दुनिया को कोई भी इंसान अगर दिल से फैसला कर ले कि मुझे कुछ करना है, मुझे अपनी जिंदगी बदलनी है, तो फिर आंधी तूफान भी ऐसे इंसान का बाल तक बांका नहीं कर सकता। और कोई तुम पर भरोसा करे या ना करे, तुम खुद पर भरोसा करो, खुद को मोटिवेट करो, खुद से कहो कि अरे यार मैं हूं ना तेरे साथ। तो डर मत, इसी विश्वास को, इसी सोच को अपने दिमाग में रखो और आगे बढ़ो, फिर देखो कैसे तुम्हारी जिंदगी बदलती है, कैसे तुम एक के बाद एक चमत्कार करने लगते हो। अरे तुम खुद से यही कहोगे कि मेरे अंदर इतना आत्मविश्वास होगा, इतनी शक्ति होगी, ये तो मैंने सोचा नहीं था। और बस इसी विश्वास से अपने कदम बढ़ाते जाओ, एक दिन तुम खुद अपने आप को हस्त मैथु के दलदल से बाहर निकाल पाओगे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला ये कमेंट करके जरूर बताएं, और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाएं। बाकी अगर आपको ये वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी इस वीडियो को लाइक कर दे, और आपने अब तक सनातनी दूत चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।